मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की पहली बार मेजबानी करेगा भारत। वस्तुतः आयोजित होने वाला शिखर सम्मेलन कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान के नेताओं द्वारा कोविड 19 संक्रमणों में वृद्धि के कारण भारत के गणतंत्र दिवस समारोह में भाग लेने में असमर्थ होने के बाद आयोजित किया जा रहा है। इस शिखर सम्मेलन में कई प्रस्तावों पर चर्चा होने की उम्मीद है, जो व्यापार और कनेक्टिविटी, विकास साझेदारी, सहयोग के लिए संस्थागत ढांचे, संस्कृति और लोगों के बीच संपर्क पर ध्यान केंद्रित करते हैं। गुलाम नबी आजाद को पद्म भूषण पुरस्कार मिलने पर कांग्रेस में हड़कंप। कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद को पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित करने का केंद्र सरकार का फैसला आया। राज्यसभा में पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के मुख्य सचेतक जयराम रमेश ने आजाद पर कटाक्ष किया। पुरस्कार की घोषणा के तुरंत बाद G23 के एक अन्य सदस्य वरिष्ठ कांग्रेसी कपिल सिब्बल ने ट्वीट किया, गुलाम नबी आजाद पद्म भूषण से सम्मानित किए गए, बधाई हो भाईजान। विडंबना यह है कि जब देश सार्वजनिक जीवन में उनके योगदान को पहचानता है तो कांग्रेस को उनकी सेवाओं की जरूरत नहीं है। उत्तर कोरिया ने किया मिसाइल प्रक्षेपण। उत्तर कोरिया ने गुरुवार तड़के एक अज्ञात प्रोजेक्टाइल दागा। आखिरी बार उत्तर कोरिया ने एक महीने में इतने सारे हथियारों का परीक्षण 2019 में किया था, जब नेता किम जोंग उन और तत्कालीन संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच हाई प्रोफाइल वार्ता विफल हो गई थी। तब से अमेरिका के साथ बातचीत धीमी हो गई है और देश आर्थिक रूप से अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों और एक कोरोना वायरस नाकाबंदी से आर्थिक रूप से जूझ रहा है। लंबे समय से रुकी हुई परमाणु वार्ता के बीच अमेरिका में बाइडेन प्रशासन पर दबाव बनाने के लिए उत्तर कोरिया ने अपनी परीक्षण गतिविधि बढ़ा दी है। इंग्लैंड ने हटाए सभी कोविड रेस्ट्रिक्शंस। 27 जनवरी 2022 से इंग्लैंड में कहीं भी कानून द्वारा फेस कवरिंग की आवश्यकता नहीं है और नाइट क्लबों और अन्य बड़े स्थानों में प्रवेश के लिए कोविड पास की कानूनी आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया है। स्वास्थ्य अधिकारियों ने कहा कि जैसा कि हम कोविड के साथ रहना सीख रहे हैं, हमें स्पष्ट रूप से देखने की जरूरत है कि यह वायरस दूर नहीं जा रहा है।